ये खबर महाराष्ट्र में आज के अखबार में छपी है। मराठी में होने की वजह से कई लोग समझ नहीं पाए। कल हुए पत्रकार परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपौत्र राजरत्न अम्बेडकर ने कहा कि आरएसएस हिंदुओं का संगठन नहीं, केवल ब्राह्मणों का संगठन है। इन्हें कोई हिंदू राष्ट्र की निर्मिति नहीं करनी, बल्कि ब्राह्मण राष्ट्र की निर्मिति करना है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी इस बात की पुष्टि आज की घटना करती है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। भारत के कई हजार विद्यार्थी कॉलेजों में फंसे हुए हैं। जो विद्यार्थी हिंदू राष्ट्र के प्रणेता से मदद की गुहार लगा रहे हैं, उनमें से कोई भी मुस्लिम, क्रिश्चियन या बौद्ध नहीं है, सभी हिंदू है। फिर भी उन्हें भारत नहीं लाया जा रहा। वहां के विद्यार्थी वीडियो भेजकर बता रहे हैं कि जहां एयर इंडिया का किराया 20 से 25 हजार रुपया है, इन हालातों में उन्हें 70 से 80 हजार लिए जा रहे हैं। यह वही एयर इंडिया है जिसके बिकते समय हम सब चुप थे। अब मुझे बताइए, यह कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें हिंदुओं को ही लूटा जा रहा है? मोदी जी कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने जा रहे, वो ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। गुलामी मुबारक हो भक्तों, आप देख रहे हैं SD24। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हमें बहुत सब अलग अलग जगह से आए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एम्बेसी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, तो अब हमें जवाब जब करेंगे? एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है टीम में वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गया है कि इंडिया जा रही है एम्बेसी, तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाए? मतलब पर हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। स्थिति प्रबल होता जा रहा है, यहाँ बहुत अटैक हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ हर जगह से धुएं धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं, और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं। बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, हमारी भारत सरकार से अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ, ये देख लीजिए स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफी दिन से, हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। आप जल्द से जल्द कुछ करिए।